हरियाणा के रादौर में बीजेपी नेता विनोद सिंगला के निवास पर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान वह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जुबानी हमला बोला है। सांसद ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर यदि वास्तव में ही स्वयं को किसान वर्ग के हितैषी प्रमाणित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करवा हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी देकर किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयकों के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों को आंदोलन के लिए भटका रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों को लेकर कांग्रेस ने सदैव आधारहीन राजनीति की है, जिसको लेकर कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा समय समय पर उजागर भी होता रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता है कि किसानों के उत्थान व कृषि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के दिशा में तीनों विधेयक अभूतपूर्व रूप से परिणामदायक प्रमाणित होने जा रहे हैं, परंतु कांग्रेस ने इन विधायकों के विरोध में किसानों को दिग्भ्रमित कर आंदोलन के लिए उकसाने का कार्य किया है। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। जो ये तीन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीन कृषि कानून बनाए हैं, ये किसानों के हित में है, किसानों की मजबूती के लिए है। परंतु जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों कानूनों को लेकर के किसान को गुमराह करने का काम किया है, किसान को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि 55 साल तक इस देश के ऊपर आप लोगों की सरकार रही है, आपने शासन किया, एक परिवार ने शासन किया है, 55 वर्षों में किसान की मजबूती में एक भी योजना नहीं बनी, लगातार उसको कमजोर करने का काम वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 2014 में बनी, किसानों की मजबूती के अंदर लगातार कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो, और उन्होंने जिस प्रकार से किसानों को बरगड़ाया है, जिस प्रकार से किसानों को झूठ बोल करके गुमराह किया है कि मंडी खत्म हो जाएगा, MSP खत्म हो जाएगी, किसान कभी भी माफ नहीं करेगा जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस पार्टी ने वो बोला है। और जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस किसान आंदोलन की आड़ के अंदर ये कांग्रेस के लोगों को भेज करके देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, देश के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा करना ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है, जो जत्थेबंदी है वो भेज रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो जत्थेबंदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में भेजने का काम कर रहा है, हरियाणा में भेजने का काम कर रहा है, वो SYL का पानी भी हरियाणा को भेजे, अगर वो किसान का इतना सच्चा हितैषी है, अगर वो किसान के हित की बात कर रहा है, अगर किसान की उसको पीड़ा है, तो हरियाणा का किसान जो SYL के पानी के ऊपर हरियाणा का हक था, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस SYL नहर को भी लेवल कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, वो पानी हरियाणा को ला करके दे, वो पानी भी हरियाणा के अंदर भेजे, वो किसान कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। और उन्होंने जिस प्रकार से किसानों को बरगड़ाया है, जिस प्रकार से किसानों को झूठ बोल करके गुमराह किया है कि मंडी खत्म हो जाएगा, MSP खत्म हो जाएगी, किसान कभी भी माफ नहीं करेगा जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस पार्टी ने वो बोला है। और जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस किसान आंदोलन की आड़ के अंदर ये कांग्रेस के लोगों को भेज करके देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, देश के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा करना
ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है, जो जत्थेबंदी है वो भेज रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो जत्थेबंदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में भेजने का काम कर रहा है, हरियाणा में भेजने का काम कर रहा है, वो SYL का पानी भी हरियाणा को भेजे, अगर वो किसान का इतना सच्चा हितैषी है, अगर वो किसान के हित की बात कर रहा है, अगर किसान की उसको पीड़ा है, तो हरियाणा का किसान जो SYL के पानी के ऊपर हरियाणा का हक था, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस SYL नहर को भी लेवल कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, वो पानी हरियाणा को ला करके दे, वो पानी भी हरियाणा के अंदर भेजे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.